आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं आपके लंग्स कैसे हेल्दी हो सकते हैं, आपके किचन में कौन कौन सी ऐसी औषधि है जो आपके लंग्स को स्वस्थ बना सकती है, सालों से जो जमा हुआ कफ है उसको बाहर निकाल सकती है। उन औषधियों के बारे में आज मैं बताऊंगा और वो कैसे आपको उसका काढ़ा बनाना है, कैसे अपने आप को निरोग बना सकते हैं, आप कफ के रोग को ठीक कर सकते हैं। आजकल के माहौल में जो संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, बैक्टीरियल संक्रमण, वायरस के संक्रमण, उनसे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। वातपित्त कफ जब तक बॉडी में बैलेंस होगा कोई संक्रमण आप पर हावी नहीं हो सकता। जैसे ही आप पर संक्रमण आता है आपका वातपित्त कफ बिगड़ने लगता है, वहीं से ही रोग आपको घेर लेते हैं। तो आपके किचन में आप यदि देखेंगे तो बहुत आसानी से सारी औषधियाँ उपलब्ध हैं। ये काली मिर्च यदि आप देखते हैं, लौंग है, तुलसी है, ये मुलैठी का हमने पाउडर किया है थोड़ा, ये गिलोय है, तेजपत्र है और ये सौंठ है जिसको ड्राई जिंजर, सूखा अदरक इसको कहते हैं, और ये गुड़ है। अब इसकी मात्रा आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। मात्रा कैसी है, आप दो काली मिर्च लेंगे, केवल दो, एक वयस्क व्यक्ति के लिए एक समय का जो काढ़ा आपको बनाना है वो कैसे बनाना है, दो काली मिर्च आपको लेना है, तीन लौंग आप ले लीजिए। लौंग WBC को बढ़ाती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत कारगर है, तीन लौंग आपने ली। और ये इस तरह से तीन तुलसी के पत्ते आपको लेने हैं, थोड़ी मात्रा, लगभग इतनी मात्रा, ये आपको मुलैठी पाउडर आपको लेना है और दो चुटकी लगभग सौंठ पाउडर, दो पत्ते तेजपत्र के आपको इसको क्रश करके थोड़ा डाल लीजिएगा, ठीक है। और गिलोय, गिलोय यदि आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना गिलोय के भी इस काढ़े को बना सकते हैं और इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। इसको थोड़ा कूटना है आपको ताकि काली मिर्च लौंग वगैरह आपकी अच्छे से कूट जाए। अब ये आपका पूरा तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, एक गिलास पानी आपको लेना है, एक गिलास पानी को अपने फ्राई पैन में डालें, एक गिलास पानी आपने लिया और ये पूरा जो है जो औषधि आपने ली थी इसको आपको अपने उसमें डाल लेना है। अब इसको सिम में धीमी आंच में आपको रखना है और इसको ढक दें, आप ढककर बनाएंगे तो बहुत अच्छा, ज़्यादा गुणकारी होगा। अब जितना आपने पानी लिया, एक गिलास आपने पानी लिया, इसका लगभग 1/4 आधे से भी कम पानी जब शेष रह जाए ये आपका काढ़ा तैयार हो जाता है। तो अब हमारा काढ़ा करीब करीब तैयार हो गया है, आइए देखते हैं। हमने इसको बंद किया और ये हमारा काढ़ा जो है एकदम तैयार है, बहुत बढ़िया काढ़ा बना है। जितना पानी लिया आपने उसका 1/4 आपको रखना है। तो ये मात्रा जो है आपको इतना लेनी है, 1/4 आधे से भी कम मात्रा काढ़े की आपको रखनी है। इसमें थोड़ा आप स्वाद अनुसार गुड़ इसमें आप डालें और थोड़ा सा उसको हिला दीजिए। तो ये जो काढ़ा है ये पुराने से पुराना फेफड़ों में जमा हुआ जो कफ है उसमें बहुत लाभकारी है और आपके कफ को बाहर निकालकर आपके फेफड़ों को बनाता है एकदम स्वस्थ। तो संक्रमण से आप तभी बच सकते हैं जब आप अपने कफ को बैलेंस में रखेंगे। इसके लिए आप कुंजल भी करें, अगर जिनको बहुत ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम है तो कुंजल क्रिया भी योग में बहुत अच्छी क्रिया है, जमा हुआ जो कफ है वो बाहर निकलने लगता है। और साथ में आप इस काढ़े का प्रयोग करें, इन औषधियों का प्रयोग करें जो आपके घर में ही बहुत आसानी से आपको मिल जाती है। तो आप लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।